रायबरेली में केंद्र व प्रदेश की सरकार की महत्वपूर्ण योजना गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जिला प्रशासन ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे को लेकर किसानों से अपील की। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में रायबरेली जनपद के किसानों की लगभग 60 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसका 88 करोड़ रुपये मुआवजा किसानों को मिलना है, जिसमें अब तक 50% यानी 44 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। इसमें 44 करोड़ मुआवजा वितरित होना बाकी है, जिसको वितरित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लगातार तहसीलों की टीमें गांव में घूम घूम कर किसानों के घर जा रही हैं। ज्यादातर किसान बाहर होने की वजह से या जो किसान मुआवजे की राशि से सहमत नहीं है, इसके कारण मुआवजा लेने नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ADM प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी ने अपील करते हुए बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुआवजा लेने के लिए अपना बैंक पासबुक, फोटो, पैन कार्ड और खेत के कागज लेकर आए, जिससे मुआवजे का भुगतान समय से किसानों को मिल पाए। नहीं, मुआवजे का बताना चाहेंगे, मुआवजे का कोई पेंच नहीं फंसा है। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे में जो लगभग 60 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत ली गई है, और उसका लगभग 88 करोड़ का आसपास का मुआवजा है, जिसमें 40 करोड़ के आसपास का मुआवजा वितरित किया जा चुका है, और रेस्ट मुआवजा वितरित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार तहसीलों की टीमें गाँव में घूम घूम के किसानों के यहाँ पे जा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान या तो बाहर हैं और या वो उस जो मुआवजे की राशि है उसे सहमत नहीं है, इसलिए वो मुआवजा लेने नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये दिक्कत है, और ये आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो हमारे यहाँ पर आएँ और अपने प्रपत्रों को जमा करें, वो अपने बैंक के पास वो फ़ोटो और हिस्सा प्रमाण पत्र वगैरह लगा के दे दें, तो हम उनका जल्दी से जल्दी मुआवजे का भुगतान कर दें। इसी के लिए हमारा प्रयास चल रहा है, और यही हमारी आपके माध्यम से लोगों से भी अपील है। सर, कितनी धनराशि? लगभग अभी 45 से 50 करोड़ के आसपास की धनराशि है, जो अभी वितरण करने के लिए अवशेष है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।